हेलो एंड वेलकम बैक। और आज के वीडियो में मैं अपने किचन के काउंटर पे एक डिस्प्ले रैक बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा किचन का काउंटर जो है वो बहुत छोटा है, उसमें ज़्यादा सामान रख नहीं सकते हैं। तो मैं एकदम स्लिम सा किचन रैक बनाने वाली हूँ, जिसपे कि मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो छोटे छोटे बर्तन हैं, कप वगैरह, वो आ जाए, ताकि वो डिस्प्ले पे हमेशा रहे और थोड़ा सा कलरफुल दिखेगा तो अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं और किचन रैक बनाते हैं। उसके लिए मैं जा रही हूँ होम डिपो। तो मैं चली होम डिपो। प्लाई मैंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चुना, जो कि ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला ना हो, क्योंकि इस पे मैं बस कुछ डिस्प्ले में सजाने के लिए छोटे छोटे बर्तन या कप वगैरह रखने वाली हूँ। तो उस हिसाब से मैंने ये प्लाई चूज़ किया। साथ में मैंने ये दो लकड़ी भी लिए हैं। मैंने अपने किचन के हिसाब से मेजरमेंट ले लिए थे, तो उस हिसाब से यहाँ पर प्लाई कटवा ले रही हूँ। ये लोग यहाँ पर दो फ्री कट कर लेते हैं, बाकी आप थोड़ा एडिशनल चार्ज पे करो तो वो काट लेंगे, या फिर आप खुद से भी काट सकते हो। तो होम डिपो से सारा सामान आ चुका है, लकड़ियाँ और प्लाई सब कट गई हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी घर से अपने किचन के हिसाब से मेजरमेंट लेके गई थी और उस हिसाब से वहाँ से सब काट के ले आई हूँ। तो अभी चलिए चलते हैं, इसको बनाते हैं फटाफट, तक क्योंकि मेरे में पेशेंस नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी बना लूंगी। ये रहे दो प्लाई के टुकड़े और लकड़ी का एक टुकड़ा। ये मैंने वुड ग्लू लिया था होम डिपो से, जो मैं यहाँ यूज़ करूँगी। यहाँ बस ग्लू लगाकर इधर चिपका देना है, कोई कील ठोकने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्लू काफ़ी स्ट्रांग होता है, एटलीस्ट मेरा पर्पस पूरा हो जाना है, क्योंकि मेरे को तो बस छोटे छोटे सामान ही रखने हैं इस पे, तो हो जाएगा। ये दूसरी साइड पर एक और, अब ये प्लाई पे भी सेम करूंगी। इसके ऊपर थोड़ा छोटा साइज का एक प्लाई, सेम यहां भी। थोड़ी देर इस पर कुछ हेवी वेट रख रही हूं, ताकि ये अच्छे से जॉइंट हो जाए, आई मीन फिक्स हो जाए। एक बार सूख जाए तो ये लकड़ी में ग्लू लगाकर यहाँ सेंटर में चिपकानी है। ये देखिए, ये ऑलरेडी मैंने एक दूसरे वाले में चिपका के सुखा दिया है। अब ये ऊपर ग्लू लगा रही हूँ। ये जो दूसरा पीस बनाया है, इसको इसके ऊपर सेंटर पे चिपका दूंगी। ये देखिए, कुछ ऐसे दिखेगा। अब इस पे वेट रखकर थोड़ी देर सूखने छोड़ देते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये दो छोटे टुकड़े हैं, जिसको मैं यहाँ नीचे एज ए लेग चिपकाने वाली हूँ। इस पे वेट रख लिया और ये रेडी एक साइड का। तो एक साइड का रैक तो बन गया है, थ्री टीयर का है, देखा आप लोगों ने। इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड का भी बना लिया, और वो थोड़ा लंबा है क्योंकि मैं एल शेप का बनाने वाली हूँ। तो एक साइड थोड़ा लंबा रख रही हूँ और एक साइड थोड़ा छोटा रख रही हूँ, अगेन अकॉर्डिंग टू मेरे किचन के हिसाब से। तो मैंने दूसरा साइड भी बना लिया है, तो चलिए दिखाती हूँ कि कैसे दिख रहा है। ये रहा दूसरा पीस। इन दोनों को ऐसे एल शेप में काउंटर पे रखना है, मेरा प्लान बस यही था। एल शेप का मेरा डिस्प्ले रैक बन गया है, आपने देखा। मेरा आइडिया बस इतना ही था कि मुझे एक एल शेप का रैक बनाना है, जिसमें मैं अपने छोटे छोटे सारे डिस्प्ले पीसेस रख पाऊँ। पर जब मैं इसको अपने काउंटर पे रखी, जो कि मेरा काउंटर कौन से कलर का है, ग्रे, आई मीन ब्लूइश टाइप का जो भी है, उस उधर जो रखी मैं, तो उतना ज़्यादा निखर के नहीं आया। तो थोड़ी सी सैड हो गई, क्योंकि इतना मेहनत किया और हुआ नहीं जो मैं चाहती थी। तभी खंडू ने मुझे आइडिया दिया कि इसके बैक में अगर तुम वाइट और ब्लू से कुछ कर लो तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो उसी ने ही आइडिया दिया, तो मैं फिर कहाँ गई, तो मैं डॉलर ट्री जाके दो फोम बोर्ड लेके आई और उससे पीछे ब्लू कलर से ऐसे ब्लू ईट टाइप, ब्लू वॉल टाइप बना दिया। तो चलिए देखते हैं वो कैसे किया।
ये बन गए दोनों बोर्ड। अब बस इस बोर्ड को दोनों सेल्फ के पीछे चिपकाना है। ये हो गया। तो बन गया मेरा डिस्प्ले रैक, देखिए ऐसा दिखता है। और मैंने ऑलरेडी इसमें सारे सामान सजा दिए हैं और काफी सुंदर दिख रहा है। और आजकल खंडू मेरे साथ रह के क्रिएटिव हो गया है, अच्छा आइडिया देने लगा है, इम्प्लीमेंट करने से अच्छा दिखता है। पहले तो पीछे अच्छा नहीं दिख रहा था, अभी ये व्हाइट एंड ब्लू वॉल से ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और ये काफ़ी स्टडी है और बहुत ही ज़्यादा टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इनफैक्ट ये कम से कम 2 साल मेरे पुराने घर में था, अभी हमने घर शिफ्ट कर लिया है और नए घर में आ चुके हैं, तो नए घर में मैं आके भी इसे यूज़ कर रही हूँ। हालांकि हाँ, उसे तोड़ के मैंने थोड़ा छोटा कर दिया क्योंकि यहाँ पे काउंटर का जो लंबाई थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उस हिसाब से मैंने इसे 2 टीयर का करवा दिया है। तो चलिए दिखाती हूँ अभी कि अभी 2 टीयर बना के वो कैसे दिख रहा है। वो भी बहुत अच्छा ही दिख रहा है। और चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखो कितना प्यारा दिख रहा है। और काउंटर पे मैंने अपना रैक में सारे मेरे प्यारे प्यारे जो डिस्प्ले पीसेस है रखे हैं, तो हमेशा मेरे को दिखते रहते हैं, थोड़े कलरफुल दिखते हैं तो अच्छे लगते हैं मेरे को। और इस बार मैंने सिर्फ इसकी हाइट चेंज करी है क्योंकि ये जो काउंटर की हाइट है ना, वो उसमें फिट नहीं आ रही थी, तो मैंने उसको तोड़ के फिर से बना दिया है। और हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट पेपर लगा दिया है जो कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है पीछे के बैक स्प्लैश को, तो सुंदर दिख रहा है। और कॉन्टैक्ट पेपर अगेन डॉलर ट्री के वो मार्बल कॉन्टैक्ट पेपर ही लेके बस अप्लाई कर दिया है। और कितना सुंदर सा एक रैक है जिसपे आप डिस्प्ले कर सकते हो आपके सामान। क्यों, अच्छा लगा ना? वैसे मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये हमेशा यहाँ पे रहता है। और इसमें मैं अपने सारे क्यूट क्यूट देखिए कलरफुल सामान, और ये देखिए ये वाला टी वाला सबसे प्यारा लगता है मेरे को। ये व्हाइट में ही है बट बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो ऐसे ही सारे छोटे छोटे जो भी आपके पास है, अगर आपके आपको डिस्प्ले में लगाना है, ऐसे कुछ रैक आप खुद ही घर पे बना सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और शेयर तो करेंगे, सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। और मैं मिलूंगी आप सभी को मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।